संदीप एंड यू वाचिंग गूगल बॉलीवुड। कुछ दिनों पहले सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया था। उनके आकस्मिक निधन के कारण सभी लोग काफी सदमे में थे। इसी चीज को लेकर कंगना रनौत ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उसमें कंगना रनौत ने कहा कि उन्हें लगता है ये सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। तो इस वीडियो से जुड़े कुछ आरोप कंगना पर लगाए जा रहे हैं कि शायद कंगना ने अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए ये वीडियो पोस्ट किया था। दरअसल सुशांत के निधन ने फिल्म इंडस्ट्री को गंभीर बहस का मुद्दा बना दिया है। फिल्म अभिनेत्री कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री को इसका जिम्मेदार ठहराया है। कंगना ने इसे प्लैंड मर्डर कहा है। ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो लोगों ने इल्जाम लगाए हैं कि कंगना पब्लिसिटी स्टंट कर रही है और खबर आ रही है कि फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कंगना ऐसा कर रही है। एक खास बात आपको बता दें कि कंगना के अकाउंट के ऊपर ब्लू टिक नहीं लगा है, क्योंकि कंगना खुद ये अकाउंट यूज नहीं करती है बल्कि उनकी टीम के द्वारा ये अकाउंट यूज किया जाता है। कंगना की टीम का रिस्पांस है कि कंगना ने फॉलोअर्स बढ़ाने होते तो वो अपना अकाउंट खुद बनाती। कंगना ने सोशल मीडिया पर न होने का फैसला खुद ही लिया है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि कंगना बॉलीवुड की सक्सेसफुल एक्ट्रेस है और उनकी काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। सुशांत की मौत के लिए कंगना ने कहा, सुशांत की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया है, मगर अभी भी कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिनका दिमाग कमजोर होता है वे लोग सुसाइड करते हैं। जो बंदा रैंक होल्डर है उसका दिमाग कैसे कमजोर हो सकता है। उनकी कुछ पिछली फिल्मों में उन्होंने लिखा कि इंडस्ट्री में उनका कोई ग्रैंडफादर नहीं है, उन्हें इंडस्ट्री से निकाल दिया जाएगा। बता दें कि फिल्म में डेब्यू के लिए उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला, कोई एक्नॉलेज नहीं मिली। गाली बॉय जैसी वाहियात फिल्मों को सारे अवार्ड दे दिए गए। छिछोरे बेस्ट फिल्म थी लेकिन उसे बनता सत्कार नहीं मिला। ये सुसाइड नहीं, ये प्लैंड मर्डर है। सुशांत की गलती यही है कि उन्होंने कहा तुम वर्कलेस हो, वो मान गया। वो चाहता था कि वो इतिहास लिखे और ये चाहते हैं कि ये इतिहास लिखें कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। ये सच्चाई नहीं बताएंगे, ये हमें डिसाइड करना है कि इतिहास कौन लिखेगा। वेल, क्या सही है और क्या गलत ये हमें तो नहीं पता, लेकिन जो भी है जल्द सबके सामने आ जाएगा। इसी तरह बॉलीवुड से लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप जुड़े रहिए गूगल बॉलीवुड के साथ।